गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सुबह के बज रहे हैं 8 और फ्रिज में 2 एग्स रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्स बना लूँ। मंडे है आज और कल ट्यूसडे है, एग्स खाए नहीं जाएंगे। और वेडनेसडे से सावन लग रहे हैं, तो पूरे सावन एग या नॉनवेज कुछ नहीं खाया जाता, तो बस मैंने कहा आज जो ये 2 एग रखे हैं इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ और दीव के लिए बना देती हूँ एक ऑमलेट। तो मैंने इसमें डाला है नमक और थोड़ी सी मिर्च और 2 चम्मच दूध। दूध मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि दूध से क्या होता है, अंडा बहुत ही फ्लफी सा बनता है, फ्लफी फ्लफी सा, और बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में भी। आप भी ट्राई करना। और यहाँ पर दीव मेरे पास ही बैठी हुई है और जो जो मैं कर रही हूँ वो सब वो कर रही है। उसको चाहिए अंडा, बहुत पसंद है उसको। तो तवा जो गर्म हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में ही अंडा फेंटने से पहले गैस ऑन कर दी थी और सिम पे कर दी थी, तो बस मैंने इसमें ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और अब अंडा डाल दूँगी इस पे। तो ये चेक कर रही हूँ मैं कि ऑयल भी गर्म हो गया है या नहीं हो गया, तो अभी कम हुआ है, सो बस थोड़ा सा वेट। तो यहाँ पे मैं अपना जो एग है वो डाल दूँगी इस पे। दूध डालने से ये कुछ डिफरेंट ही है, देख लीजिए आप। और मैं दीवों के लिए मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ एग, इसके संग कोई पराठा वगैरह कुछ नहीं होता, दीव ऐसे ही खा लेती है। और इसको अभी तेज आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और छूट जाए तवे से। तो ये मैंने टर्न कर दिया है, हो चुका है ही ऑलमोस्ट, बस ज़रा सा सीखना है और मेरा जो एग है वो रेडी है। देखिए, तो चलिए दीव को देती हूँ। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को मौसम दिखा दूँ आज का। अभी जो हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, मौसम देखो कुछ इस तरीके का हो गया है। अभी बारिश हुई थी बट उसके बाद फिर से मतलब धूप सी निकल गई थी, बट अब जो है मौसम इतना अच्छा हो रहा है। बाहर देखती हूँ कोई है तो नहीं, फिर बाहर का दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, अंधेरा हो गया आज दिन में ही, बादल देखो कहाँ से आए हैं और जबरदस्त बादल आए थे। और पीछे से आपको नॉइज आ रही होगी, तो दीव ने फोन जो है ऑन किया हुआ है, आप बस इस पे फोकस कीजिए। देखो मेरे घर के ऊपर की तरफ बादल एकदम काले, तूफान आने वाला है, बारिश बहुत तेज आने वाली है। सभी लोग वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं, सभी लोग बना रहे थे, तो मैंने भी बाहर खड़े होके बना ली, वरना मैं अकेले नहीं बनाती। सभी लोग शूट कर रहे थे क्योंकि एकदम अचानक से अंधेरा हो गया था। ये देखो पेड़ वगैरह सब। और ऐसा कभी कभी ही होता है, तो शूट कर लेते हैं सभी लोग। एकदम अंधेरा ऐसा हो गया था कि जो गाड़ी या फिर बाइक वाइक जो भी जा रही थी उन्होंने अपनी आगे की हेडलाइट भी जला रखी थी। तो ये कैमरा थोड़ा मेरा रोटेट हो गया था, तो प्लीज़ माइंड मत करना। आप मौसम देखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, मौसम बहुत ही असम वाला हो रहा था। बट कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के घरों में पानी आता है। हमारे यहाँ के घर के आसपास बहुत सारे कच्चे घर हैं, तो बस उनके लिए बुरा लगता है। आप देखिए पेड़ पौधे जो उन्होंने जिन लोगों ने पन्नी भी डाल रखी है ना, तो इतनी तेज हवा में पन्नी भी उड़ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलो बात। शेड पड़ रही होगी बहुत ज्यादा, है ना? अब हाँ। तो
बाहर भी बगदिया खत्म, बारिश हो रही है बहुत तेज वाली, और मैं छाते के साथ भी ऑलमोस्ट भीग चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना नहा ही लूँ। और राखी छूट कर रही है, राखी नहाने के लिए आई थी बट राखी को लग गई ठंड, राखी को ठंड लगी बहुत, तो बारिश बहुत चल रही है, बहुत तेज तूफानी बारिश। बता दी आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मैं चिल्ला रही हूँ बहुत, आवाज बहुत तेज है। बाहर का मैं आपको पेड़ पौधों का व्यू दिखाती बट फोन मेरा ख़राब हो गया ना, बस मेरी बैंड बच जाएगी, तो फिलहाल आप मुझे ही देख लो, ठीक है। बारिश ख़त्म हो गई तो सब्जी वाले भी आ गए हैं, तो मैंने कहा आलू ले लेती हूँ, कुछ नहीं तो आलू के जो पकोड़े हैं वो ही बन जाएंगे, तो बस आलू ले रही हूँ क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे, बाकी सब चीज़ें हैंगी। धनिया मुझको नहीं मिला ठेले पे, धनिया महंगा हो रहा है बहुत, तो ठेले वाले लेकर नहीं आ रहे क्योंकि फ्री में धनिया लेने वाले बहुत लोग होते हैं। और ये देखो दीयू, दीयू की तो अभी भी छाता मिलना चाहिए इसको, बस बारिश तो नहीं लेकिन छाता इसको ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ घर के अंदर, यहाँ पे पकौड़े तो नहीं बन रहे बट सीमा जो है वो कह रही है चाची चलो मैं आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ, तो मैंने कहा चल बना ले यार, आज बाल भी खुले हुए हैं, गीले हो गए थे तो सूख गए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, 6:15 का टाइम हो रहा है, तो बस मेरा हेयर स्टाइल बना रही है। और सीमा कौन आप लोग पूछोगे, तो सीमा है राखी से बड़ी और सीमा से भी बड़ी एक है, तो ये बना रही है मेरा हेयर स्टाइल। तो ये देखिए मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बन रहा है, और ये मेरे बालों में कुछ कलर नहीं हो रखा है, मेरे बाल सफ़ेद हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, और बट मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मन भी नहीं करता कलर करने का, अब तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाती है, मैं ज़रूर दिखाऊँगी अलग सेपरेट से वीडियो बना के। तो बस मुझे अच्छा लगा चोटी बनाकर आज, बिल्कुल मतलब चोटी इधर से उधर इधर नहीं हुई, सुबह तक ऐसी प्रॉपर बनी रही मेरी चोटी। और ये वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, वरना जब ये अच्छे से इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ना, आराम आराम से एक एक स्टेप दिखाऊँगी आप लोगों को। बाल मेरा बहुत सिल्की है। हेलो गाइस, तो मेरी चोटी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझको बताना ज़रूर। और मैंने ना सुबह की दोपहर को जो सब्जी बनाई थी वो रखी हुई है, तो मैं बनाऊंगी उसके संग अपने लिए रोटी। और तो मैंने सोचा दीयू के लिए मैं 2 आलू की पकौड़ी बना देती हूँ, तो वो खा लेगी अच्छे से, तो बस वो ही बनाने में किचन में आ गई हूँ, रात को ही खा लेगी, कोई बात नहीं कभी कभी चलता है, और बच्चा मन से जो चीज़ खा ले ना वो ही बनानी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ऑयल ही रख देती हूँ, सिम पे रखूंगी फिलहाल। तो आलू मैंने आलू देखो ऐसे ही टंग रहे हैं, इसमें से मैं 2 आलू निकालती हूँ, छोटे छोटे से, छोटे छोटे पेट के लिए छोटे छोटे आलू, एक तो चलिए पहले बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रात का टाइम हो रहा है तो थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी किचन में एक ही लाइट है वो भी CFL है, तो प्लीज माइंड मत करना सभी लोग, एडजस्ट कर लेना भाई। पानी डाल दिया है आलू में कह रही बर्तन में, और उसमें डाल रही हूँ मैं आलू।
पहले इसे काट लूं, फिर इसको एक बार और अच्छे से वॉश करूंगी मैं। तो चलिए इसको मैं वॉश करूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू है जो रेडी हो चुके हैं, और पहले मैं बेसन निकाल लूँ। मैं इसको चेक इसलिए नहीं कर रही, मैंने कल ही परसों कुछ बनाया था बेसन का चीला वीला, तो पता है बेसन साफ है और इसमें ज़्यादा कुछ ऐड तो करना नहीं है। और अब इसमें मैं डालूंगी हल्की सी अजवाइन, हल्की सी मिर्ची, बस। और इसको ऐसे करूंगी, पानी अभी मैंने नहीं मिलाया है, हल्दी डालूंगी यार, हल्दी रह गई बहुत, थोड़ी सी हल्दी। नमक नहीं, नमक नहीं, देख लिए रेस्ट करने के रख दूं। तो इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और तेल मेरा गर्म हो चुका है तो डाल देती हूँ फटाफट से। व्यू को भी भूख लग रही है और ठंडा भी करना पड़ेगा यार, अभी बना के उसको ठंडा भी करना है। तो मैं कैमरा कुछ यहाँ पे सेट करती हूँ ऐसी ऐसी, ठीक है? तो चलिए बनाती हूँ मैं। जो फ्लैश है वो ऑन कर दिया है, क्योंकि रात को ना थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और येलो येलो सा आपको ये इसलिए दिख रहा है, रेड रेड। दियो खाएगी कैसे खाएगी? ये देखो दियो, दियो ये देखो दियो, पगली हो गई, पगली हो गई, जल्दी 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 आ जाओ, आ जाओ आज पक के आओ, कौन खाएगा कौन खाएगा? ये देखो इसका दियो का नीचे, ये देखो, ये देखो कैसे 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 देखो भाग गई।
गाइस आज का मेरा व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना, उनके संग बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, बाय बाय, टेक केयर।